हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंटम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो इन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये वीडियो बेसिकली बेस्ड है एक क्वेश्चन पे जो कि सर्कल्स चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन, आखिर है क्या और उसमें हमें क्या निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड x square plus y minus b square is equal to b square. Okay. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉमन कॉर्ड की। हमें और आपको पता ही है जो कॉमन कॉर्ड होता है किसी टू सर्कल्स का, वो बेसिकली आता है उसके डिफरेंस ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द टू सर्कल्स इक्वेटेड टू जीरो प्रोवाइडेड s dash equal to zero and s double dash equal to zero are the equations of the circles expressed in the general form. तो जनरल फॉर्म में जब भी हमारे पास किसी भी दो सर्कल के इक्वेशंस होते हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है इक्वेटेड टू जीरो विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा एस डैश क्या है। हमारा एस डैश है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि बेसिकली रिड्यूस हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स में। ठीक है, दैट मीन्स आवर इक्वेशन ऑफ द सर्कल द फर्स्ट सर्कल कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज x square plus y square minus 2ax equal to 0. Okay. Similarly, what is the equation of the second circle? जो हमारा second circle है s double dash, वो क्या होगा? वो होगा x square plus y minus b whole square minus b square, जो कि आ जाएगा आपका x square plus y square minus 2by. ठीक है, तो जो दूसरा equation है हमारे circle का वो होगा x square plus y square minus 2by equal to 0. ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कॉमन कॉर्ड की ओर। सो कॉमन कॉर्ड क्या होगा? तो हमारा जो कॉमन कॉर्ड होगा उसका इक्वेशन आएगा द डिफरेंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस इक्वेटेड टू जीरो। तो आप डिफरेंस करोगे तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारा कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे सर्कल की जो कि पास कर रहा है थ्रू दिस कॉमन कॉर्ड कुछ इस प्रकार से। एक सर्कल है हमारा और दूसरा सर्कल मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, मैं येलो कलर से बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और हमें एक सर्कल निकालना है जो कि इसके कॉमन कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए पास कर रहा है। ठीक है, तो वो जो हमारा सर्कल है वो इसके कॉमन कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए पास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का ये मतलब है कि जो ब्लू कलर का सर्कल है वो हमारा एक फैमिली मेंबर है विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द व्हाइट सर्कल एंड द येलो सर्कल। तो फैमिली मेंबर का इक्वेशन हमेशा जब हम लिखते हैं वो लिखते हैं एस डैश प्लस लैम्डा एस डबल डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जिस सर्कल को हम खोजना चाहते हैं उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन शॉर्ट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा वन प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वन प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। राइट, इन अदर वर्ड्स द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल कुड बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस। तो चलिए यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई होगी। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इस जो सर्कल है इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा? इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा a by 1 plus lambda, comma b lambda by 1 plus lambda पे। करेक्ट, और इतना ही नहीं ये सेंटर बेसिकली should lie on the common chord, means ये common chord को satisfy करेगा। correct, तो अगर ये common chord को satisfy करेगा तो ax equal to by को satisfy करेगा। correct, in other words आप क्या बोल रहे हो कि a square यहाँ पे b square। correct, means lambda की value आएगी a square by b square। correct,
तो दोस्तों इस लैम्डा के वैल्यू को अगर हम इस फैमिली ऑफ सर्कल इक्वेशन में रख देते हैं, आप कहीं भी रख सकते हो, आप यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, तीनों सेम चीज़ है, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आइए किसी एक में रखते हैं, मैं चलिए बीच वाले में रख देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मिलेगा हमें क्या मिलेगा, वन प्लस लैम्डा विच इज़ दिस टाइम्स एक्स स्क्वेयर, वन प्लस लैम्डा टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। आइए लेट्स मल्टीप्लाई थ्रू आउट विथ बी स्क्वेयर। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट विथ बी स्क्वेयर दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसको आप और भी फैंसी तरीके से लिख सकते हो। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे ऑप्शंस के साथ मेल खाए। इक्वल टू टू ए बी आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, सो दिस विल बी बी एक्स प्लस ए वाई। ओके, या यू कह लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू जीरो। आइए दोस्तों देखते हैं ये हमारे किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। दोस्तों ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। दोस्तों ये देख सकते हैं कि कैसे ये एक सवाल जो है आपको कितने कंसेप्ट पे टेस्ट कर रहा है, या आपको कॉमन कॉर्ड के कंसेप्ट पे टेस्ट कर रहा है, या आपको टेस्ट कर रहा है आपके कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स के ऊपर भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।